रामराज। रामराज आ गए भैया, रामराज आ गए। फिर बता दो क्या नाम है आपका? रामराज। जोर से बोलो। रामराज आ गया यूपी में। क्या आ गया है? प्रज्ञा के बगल में कौन खड़ा है? नाम बोलो अपना। रामराज। यूपी में क्या आ गया? रामराज। आने क्या वाला था? रामराज खुद नहीं बोलना चाहते हैं कि हम आ गए हैं भैया। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए, यदि बात कीजिए इस मोहतरमा की, तो जैसे ही राम नाम का नाम सुनती है ना, बहुत सारे इसके दिमाग में कीड़े पनपने लगते हैं और इसे ऐसे कुलीरिज में खतरा सताने लगता है और न जाने कैसी अनसना बातें बकने लगती है। जैसे कि आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से जय श्री राम के नारे सुन करके ममता बनर्जी पागल हाथी की तरह बौखला जाती है, उसी तरह से एकदम जस्ट होता है इस मोहतरमा के साथ, जो कि राम का नाम सुनते ही न जाने इसके दिमाग में क्या क्या चलने लगता है। और ऐसे ही लोग जो आज के जो है, जो हमारे हिंदू धर्म के में बहुत सारे ऐसे जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया है, उन लोगों को सपोर्ट करने वाले ऐसे ही लोग हैं। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि भारत में तो आप जानते हैं कि खेलने के लिए खिलौना होता है, लेकिन उसके अलावा जो उसके बाद जो सबसे ज्यादा खेला गया है ना, वो हिंदुओं की आस्था के साथ खेला गया है। लेकिन ऐसे लोगों को, जिस टाइप से भाषा बोलती है ऐसे लोगों को, कभी इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि हम अपने धर्म के बारे में क्या सोचते हैं और दुनिया को क्या बताते हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कानून तोड़ने वालों का घर गिरा देना, परिवार को सड़क पर लाके बिठा देना ठीक है क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कानून नहीं, ये तो बात सच में बहुत ही गलत है। कानून तोड़ने वालों के, जो ऐसे टोपीबाज जो आते हैं आकर पत्थरबाजी करते हैं, कानून तोड़ते हैं, उनके लिए करना क्या चाहिए कि उनको उन्हें सरकारी नौकरी देना चाहिए, 5 लाख का मुआवजा देना चाहिए, प्रोत्साहन राशि के रूप में, मुआवजा नहीं बोल सकते हैं, प्रोत्साहन राशि के रूप में कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए तुम हर एक जो पत्थरबाज है उन्हें 5-5 लाख रुपया देना चाहिए और उसके पैरों को आ करके दबाना चाहिए, उन्हें उनसे आशीर्वाद लेने चाहिए कि हाँ आप बहुत ही अच्छा काम किए हैं, हमारे देश के विकास में आपका जो ये हाथ रहा बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और आप ऐसे ही हमारे देश में तोड़फोड़ करते रहें और इसी तरह से पत्थरबाजी करते रहें और इसी तरह से इन्हें बहुत ही प्रोत्साहन राशि के साथ साथ बहुत सारे इनाम देना चाहिए। इनका घर बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मोहतरमा है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो नाम है प्रज्ञा मिश्रा, सिर्फ नाम ही हिंदू है, बाकी नीचे से लेकर के ऊपर तक इसमें कुट कुट करके मुस्लिम का जो जिहादियों का जो मानसिकता है ना, वो भरी हुई है और भरी गई है इनके पैसे की बदौलत, क्योंकि इनकी यदि आप आय देखें ना तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही बात करने के लिए, इन्हीं सब बातों को उजागर करने के लिए इसे पैसे दिए जाते हैं। यार एक चीज समझ में नहीं आता कि ऐसे जाहिल व्यक्ति, जो जाहिल विचार के जो लोग रहेंगे अपने देश में, तो आखिर हमारे हिंदुत्व का, हमारे देश का कैसे विकास होगा? इसे तो बुरखा वाला जो मैटर चल रहा था उससे भी परेशानी थी और यहाँ तक कि जब ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग जो मिल गया ना, उसके बाद भी इसको परेशानी थी और ये चाहती थी कि हाँ वास्तव में वह जो शिवलिंग को बोला जा रहा है वो वास्तव में शिवलिंग नहीं है, फवारा है। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो आप इसे किस मानसिकता के लोग समझेंगे? तो ठीक है, चलते हैं। आपका तो प्यार सपोर्ट हमारे चैनल को मिल ही नहीं रहा है, देखते हैं इस बार क्या करते हैं। आप शेयर और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए यार थोड़ा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।